हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेकॉन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों आज हम 10 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे और सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि ये जो मैं 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसका टोटल वेटेज 10 मार्क्स है वो लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन हैं। यानी कि आप 10 मार्क्स इजीली एप्टीट्यूड में सिक्योर कर सकते थे इन गेट 2018 शिफ्ट 2। तो आइए हमारी जो रेकॉन की सीरीज चल रही है जिसमें हम गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं 2018 में, उसी में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 1 मार्क के क्वेश्चन थे और दोनों ही लेवल 1 के थे। पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये लेवल 1 के हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए 3-member कमिटी हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 9 पीपल। हाउ मच सच डिस्टिंक्ट कमिटी कैन बी फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन दोस्तों क्लास 10th का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। 9 लोगों में से 3 लोगों को लेके कितनी डिस्टिंक्ट कमिटीज बन सकती है, यानी कि 9C3। सॉल्व कर लीजिए। 9 × 8 × 7 / 1 × 2 × 3। वेरी सिंपल, कैंसिल आउट हुए 4। सो वॉट यू गेट 12 × 7 = 84 एंड डी इज द आंसर। देखिए 1 मार्क का क्वेश्चन था, लेस देन 1 मिनट लगा इसको सॉल्व करने में। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। अगेन इट इज ए 1 मार्क क्वेश्चन एंड इट इज ए लेवल 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर ए नॉन नेगेटिव इंटीजर ABC आपसे पूछा गया है a+b+c, जबकि आपको दिया गया है log a + log b + log c = 0। सो व्हाट आई कैन राइट, अगर मैं log की सिंपल सी प्रॉपर्टी लगा दूं और कोई भी बेस मान सकते हैं तो मैं बेस 10 मान लेता हूं, तो आई कैन राइट log a b c = 0। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों, log base of 10 a b c = log base of 10 1, क्योंकि log base of 10 1 की वैल्यू 0 होती है। तो व्हाट आई गेट, a b c = 1। नाउ सी दिस लाइन, दे आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इफ दे आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन a b c = 1 तभी हो सकता है जब a भी 1 हो, b भी 1 हो और c भी 1 हो। यानी कि a + b + c = 1 + 1 + 1 = 3। सो आंसर इज 3, यानी कि ए ऑप्शन। वेरी सिंपल। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लेवल को पहचान लेते हैं, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन इट्स वेरी इजी टू गेट मार्क्स। रेकॉन इसमें आपकी हेल्प कर रहा है। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप जॉब करते हैं या आप ड्रॉप कर रहे हैं, देन ऑल्सो आप घर बैठे पूरी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे गेट में मार्क्स सिक्योर करके जॉब पा सकते हैं। इट्स वेरी इजी एट ए नॉमिनल प्राइस। आप हमारी वेबसाइट www.rcaonline.in पे विजिट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आप एनरोल हो सकते हैं रेकॉन के इस प्रोग्राम में, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में सबसे अच्छा प्रोडक्ट लेके घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। मैं बार बार एम्फेसिस करता हूं दोस्तों, घर बैठ के तैयारी करने में जितना आराम है उतना आराम किसी जगह पे जाके तैयारी करने में नहीं है। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लॉस इज यूजुअली टेकन टू बी प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम ए टारगेट। इफ द लॉस इज ₹4900 फॉर ए डेविएशन ऑफ 7 यूनिट, व्हाट वुड बी द लॉस इन रुपीज फॉर ए डेविएशन ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द टारगेट। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन बहुत ही सिंपल था। तो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर क्या है दोस्तों, लॉस इज यूजुअली टेकन एज प्रपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द टारगेट। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि किसी कंपनी में लॉस कितना हो रहा है, इसका मेजर कैसे होगा कि आपका जो भी टारगेट है वहां से आप कितने डेविएट हुए हो, तो डेविएशन का स्क्वायर। अब मैं लॉस इज इक्वल टू कह सकता हूं k × डेविएशन² मैंने डायरेक्ट प्रपोर्शनैलिटी का साइन हटा दिया और इक्वल टू ले आया विथ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी के एक कॉन्स्टेंट है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी। चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है।
आपको दे रखा है कि लॉस 4900 रुपीस का हुआ, के कांस्टेंट है, डेविएशन 7 यूनिट था, तो 7 का स्क्वायर, तो यहां से आपको के की वैल्यू मिल जाती है दोस्तों, विच इज 100। अब आपसे पूछा गया है व्हाट वुड बी द लॉस इन रुपी फॉर ए डेविएशन ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द टारगेट, तो लॉस का आपको पता करना है। ये लॉस 1 हो गया जो 7 की डेविएशन पे आ रहा था, ये लॉस 2 हो गया जो आपको फाइंड आउट करना है। के की वैल्यू आपको 100 दे रखी है और 4 है, रूल यही लगेगा जो यहां पर आपको मेन दे रखा है कि लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन स्क्वायर और लॉस इज इक्वल टू के टाइम्स डेविएशन स्क्वायर। तो डेविएशन 4 का हुआ, 4 स्क्वायर कर लीजिए, सो आपको वैल्यू कितनी मिल गई लॉस की, लॉस की वैल्यू मिल गई 1600। सी इज द आंसर। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ वी कम टू द अनदर क्वेश्चन। अ फॉल्टी वॉल क्लॉक इज नोन टू गेन 15 मिनट्स एवरी 24 आवर। इट इज सिंक्रोनाइज टू द करेक्ट टाइम एट 9 AM ऑन 11th July। वॉट विल बी द करेक्ट टाइम टू द नियरेस्ट मिनट वेन द क्लॉक शोज 2 PM ऑन 15 July ऑफ द सेम ईयर। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट मैं देख रहा हूँ बहुत से कोचिंग सेंटर्स ने इसका सॉल्यूशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। नो नीड फॉर डैट, वेरी सिंपल सिंपल अप्रोच फॉलो कीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। क्या कह रखा है दोस्तों, 11 जुलाई को, लेट अस ड्रॉ 11 जुलाई हियर। 11 जुलाई को 9 बजे मैं यहाँ पे एक बार क्लॉक बना देता हूँ आपके लिए। दिस इज द क्लॉक, दो क्लॉक है, एक क्लॉक सही है, एक क्लॉक गलत है, दोनों 9 बजे सेम टाइम शो करती है, 9 o'clock का। ओके, नाउ अब हर दिन जो गलत क्लॉक है, जो फॉल्टी क्लॉक है, यहां पे उस गलत क्लॉक को फॉल्टी क्लॉक कहा है, वो 15 मिनट गेन कर लेती है। तो आपसे पूछा गया है कि 15 जुलाई को अगर फॉल्टी क्लॉक 2 PM का टाइम दे रही है तो करेक्ट टाइम क्या हुआ होगा। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, पता नहीं क्यों इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो देखिए 11 जुलाई को 9 बजे दोनों क्लॉक का टाइम 9 था। अब जब 12 जुलाई पे हम पहुंचेंगे 9 बजे, तो क्या होगा, फॉल्टी क्लॉक 9 बजाएगी लेकिन करेक्ट क्लॉक कितना बजाएगी, 8:45, 15 मिनट पीछे हो जाएगी, यही यहां पे कह रखा है। तो 12 जुलाई को 9 बजे, ध्यान रखिएगा 9 AM पे 8:45 का टाइम हो गया। नाउ 13 जुलाई को अगेन फॉल्टी क्लॉक ने 9 बजाए लेकिन आपकी करेक्ट क्लॉक ने क्या टाइम दिया, आपकी करेक्ट क्लॉक ने टाइम दिया 8:30 का। अगेन 15 मिनट का डिले चल रहा है उसका, तो पहले 8:45 था, अब 8:30 हो गया। तो ये मैं फॉल्टी क्लॉक का टाइम लिखता जा रहा हूं, ये करेक्ट क्लॉक का टाइम है। नाउ 14 जुलाई को क्या होगा, 14 जुलाई को अगेन आपका फॉल्टी क्लॉक 9 AM देगा लेकिन करेक्ट क्लॉक कितना देगा, 8:15, 15 मिनट का डिले हो रहा है, बहुत सिंपल है। 15 जुलाई को जब फॉल्टी क्लॉक 9 AM का टाइम देगी तो ये टाइम होगा 8 o'clock। तो अब आपसे पूछा कब गया है, 15 जुलाई को 2 बजे दोपहर में, तो मॉर्निंग में 9 बजे तक करेक्ट क्लॉक 1 घंटा पीछे चल रही है। तो अगर और कुछ नहीं हो तो आंसर जो है वो 1 PM के बाद ही आने वाला है, 1 घंटा तो डिले हो ही चुका है यहां पे, तो ये आंसर हो नहीं सकता। और बचे हैं आंसर ये 3, तो 1 PM भी आंसर नहीं हो सकता, आंसर जो है वो 1 PM से लेस ही होगा। तो अब क्या लेस हो सकता है, इन दोनों में बात करनी है। अब 15 मिनट का डिले तो हो नहीं सकता, क्योंकि 15 मिनट का डिले होने का मतलब क्या हुआ कि पूरे दिन का डिले, अभी तो सिर्फ 2 बजा है दोपहर का, तो पूरे 15 मिनट का डिले हो नहीं सकता, सिर्फ एक ऑप्शन बचता है 12:58। नो नीड टू डू लेंदी कैलकुलेशन, आपको लेंदी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट आंसर है 12 hour 58 minute, और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। तो जो हम लोग रेकॉन की क्लासेस में सिखाते हैं कि आप ऑप्शन पे ध्यान दें,
अगर आप यहाँ ऑप्शन पे ध्यान देते तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, आप डायरेक्ट भी कह सकते थे। यहाँ पे एक और तरीका हो सकता था, अगर आप इस टाइम को भी बचाना चाहते तो, कि 11 जुलाई से 15 जुलाई तक 4 दिन में 1 आवर का तो लॉस हो ही चुका है। तो जो भी टाइम होगा 2 PM पे, वो 1 बजे के बाद का ही होगा। कितना बाद का होगा? वो होगा 1 बजे से लेके 12:45 के बीच में। लेकिन 12:45 तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी कट गया। आंसर इज बी, यू कैन यूज दिस ऑल्सो। अगर आप थोड़ा और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो आप इसको अवॉइड करके इसमें भी सीधा आंसर ला सकते थे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। अगेन आई विल से दैट दिस इज ए लेवल 1 क्वेश्चन, 2 मार्क का था, लेकिन लेवल 1 का था। द एनुअल एवरेज रेनफॉल इन ए ट्रॉपिकल सिटी इज 1000 मिलीमीटर। ऑन ए पर्टिकुलर रेनी डे 24 आवर पीरियड द क्यूम्युलेटिव रेनफॉल एक्सपीरियंस बाय द सिटी इज शोन इन द ग्राफ। तो आपको एक ग्राफ दिया है जिसमें 0 आवर से 24 आवर तक क्यूम्युलेटिव रेनफॉल हुई है। ध्यान रखिएगा ये क्या है, क्यूम्युलेटिव रेनफॉल है, यानी कि 0 से 9 तक 100 मिलीमीटर हुई है, 9 से 15 तक 9 से 12 तक 200 हुई है, इसके बाद यहाँ पे कोई बारिश नहीं हुई है, देन बारिश फिर से शुरू हुई 15 आवर्स पे, 18 आवर्स तक 300 मिलीमीटर हुई, और उसके बाद वापस बारिश बंद हो गई। तो इस पीरियड में बारिश नहीं हुई है, इन 3 पीरियड में बारिश हुई है, ये यहाँ पे ग्राफ देख के समझ में आ रहा है। अगेन कम टू द क्वेश्चन, ओवर द 24 आवर पीरियड 50% ऑफ द रेनफॉल फॉलिंग ऑन ए रूफ टॉप विच हैज ए ऑब्स्ट्रक्शन फ्री एरिया ऑफ 50 mm² वॉज हार्वेस्ट इन टू ए टैंक। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रॉब्लम बन गई है कि 50% पानी जो है हम अपने हार्वेस्ट टैंक के अंदर कलेक्ट कर ले रहे हैं। तो अगर आप देखें तो 300 मिलीमीटर का 50%, यानी कि 150 मिलीमीटर आप पानी टैंक में कलेक्ट कर ले रहे हो, और कैचमेंट एरिया आपका अगर देखा जाए तो कितना है, 50 मीटर स्क्वायर। तो 150 मल्टीप्लाई बाई 50, में यूनिट्स पे नहीं जाऊंगा, अगेन मैं टाइम सेव करूंगा, आंसर हो गया 7500 लीटर्स। इज इट ओके? तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया सी। तो टोटल पानी कितना कलेक्ट हुआ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया है, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। द थिंग इज आपको सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है सो डैट कि यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन कम टू द करेक्ट आंसर। सो सिंपल क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट पी क्यू आर? ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको लेवल 2 में डाल देता हूँ ड्यू टू टाइम। ओके, तो अगर आप देखें तो log P इज इक्वल टू 10 × y − z, log Q इज इक्वल टू 10 × z − x, एंड log R इज इक्वल टू 10 × x − y। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें दोस्तों तो आपको क्या मिलेगा, log P प्लस log Q प्लस log R इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, व्हाट यू गेट इक्वल 0। सेम जो हमने आज का सेकंड क्वेश्चन किया था उसी डायरेक्शन में चला गया, यानी कि क्या हो गया, मैं बेस 10 ले लेता हूं क्योंकि बेस दिया हुआ नहीं है, तो आई कैन राइट पी क्यू आर इज इक्वल टू लॉग बेस 10 1। तो व्हाट आई कैन से, पी क्यू आर इज इक्वल टू 1, बी इज द आंसर। जस्ट फॉर सम टाइम, क्योंकि ये चीज जो मैंने यहां लिखी है और यहां पहुंचने में हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा सी चीज सोचनी पड़े, अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन भी लेवल 1 का होगा। तो दोस्तों आज आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था, 10 मार्क्स यानी कि 10% क्वेश्चन विद इन 10 मिनट्स में आप सिक्योर कर सकते। द ओनली थिंग अगेन आई आस्क यू वाइल प्रिपेयरिंग, आप लेवल्स पे ध्यान दें, जिसमें रेकॉन के वीडियोज लेने से आपको परफेक्शन आता है कि लेवल्स पे कैसे ध्यान देना है। लेवल्स पे ध्यान देते तो 10 मार्क्स कहीं नहीं गए थे, इट इज सिंपलेस्ट 10 मार्क्स जो आप
सिक्योर कर सकते थे। पहले 10 मिनट में आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता और गेट में अच्छे मार्क्स आते। तो जो लोग आगे गेट 2019 और उसके आगे की तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ पे ये सीखना है कि लेवल्स पे कैसे ध्यान दिया जाए। विद डैट, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कीप इन्जॉइंग एंड हैव लॉट्स ऑफ फन इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।